तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले गॉडलाइक के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि जो अंतर्यामी, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करा है गॉडलाइक को, वो गॉडलाइक के अभी लेटेस्ट क्रिएटर है। तो कल जब अंतर्यामी लाइव आए थे तो वो बात करे थे उनके नए एक प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि उनकी एक ऐसी चीज़ आ रही है जिससे पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा, एंड उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ा उनका प्रोजेक्ट अभी आने वाला है। तो जो अंतर्यामी का पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। कर रहे हैं दोस्तों प्लान, बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा, मतलब आज तक कभी हुआ ही नहीं है गेमिंग कम्युनिटी में, कभी हुआ ही नहीं है। और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, जो कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में हम करेंगे, मेरे चैनल पे होगा लाइव, और अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो मतलब अलग भाई दे देगा, बाढ़ आ जाएगी समझ रहे लोगों की कि भाई ये क्या कर रहे हैं। और उससे बहुत वो भी हो जाएगी, मतलब हेल्प मदद है ना एक, हाँ, वो भी छोटे छोटे स्ट्रीमर्स जो हैं जो ग्रो कर रहे हैं, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनके वो भी इन्वॉल्व रहेंगे उस चीज में। क्या कुछ लोगों की 5 की 10 की 20 की 50 की वॉचिंग आती है, उनके उनसे रिलेटेड भी है कि उनको भी कंटेंट मिलेगा और वो भी रहेंगे उस चीज में इन्वॉल्व। पूरा ही जितने भी स्ट्रीमर्स गेमर्स हैं उनके अराउंड कुछ कर रहा हूं मैं प्लान, जो कि आगे एक हफ्ते 10 दिन में आपको देखने को मिलेगा। एक बार एक गाली मुंह पे फेंक के मार दो विजय भाई, यार क्या यार जॉनिक साथ 1v1 करो। अरे भाई बिल्कुल करेंगे यार, पैन से करेंगे, गन से नहीं करेंगे। उसके अलावा भी दोस्तों जो प्लान है ना, जो मेरा प्लान है नेक्स्ट स्ट्रीम का, जो एक एपिक स्ट्रीम होने वाली है, उसमें कई पार्टिसिपेट, कई लोग होंगे, कई स्ट्रीमर्स होंगे जो मेरे साथ उस कंटेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और वो स्ट्रीमर्स अभी गॉडलाइक के लिए नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो मैं और बाकी गॉडलाइक क्रिएटर्स को भी ऐड करूंगा उसमें, नहीं तो मैं बहुत चमन दिखूंगा अगर ये फेल हो गया तो कि यार पहला प्रोजेक्ट है। तो उसमें बहुत सारे अदर स्ट्रीमर्स ऐड है, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो भाई मजा आ जाएगा। मतलब जो गॉडलाइक फैंस है ना, उम्मीद कर रहे हैं भाई कंटेंट एकदम तगड़ा, जैसा रिस्पांस दिखाया है उन लोगों ने मेरे अनाउंसमेंट के डे से, तो उनको बहुत प्राउड फील हो जाएगा कि भाई ये बात हुई ना कंटेंट। क्या ऐसा कुछ है तगड़ा सीन, वो आपको देखने को मिलेगा हफ्ते भर में। एक वीक मेरे को लगेगा चीज़ें शेड्यूल करने में, क्योंकि उसमें अकेले हम इन्वॉल्व नहीं है और भी स्ट्रीमर इन्वॉल्व है, तो वो एक वीक लगेगा। एंड अपन बात कर लेते हैं हेक्टर एंड उनकी टीम के बारे में। तो बीच में खबर आई थी, अभी खबर उड़ती उड़ती कहीं से आई थी, अफवाह टाइप की थी बेसिकली, कि जो एस्पावर वापस आईक्यू सोल के अंदर जाने वाले। फिर बार बार अलग अलग लोग, अलग अलग स्ट्रीमर्स एंड प्लेयर्स से पूछ रहे थे कि जो एस्पावर क्या वो सोल में जाने वाले क्या, मतलब पहले मान्या से पूछा गया, फिर हेक्टर से पूछा गया, फिर कल जब हेक्टर वापस लाइव आए थे तो उनसे वापस यही चीज़ पूछी जा रही थी कि क्या जो एस्पावर आपकी लाइनअप को लीव कर रहे क्या। तो हेक्टर ने इसका फाइनल रिप्लाई देते हुए ये बोला था बेसिकली कि यार हमें थक गए हो बताते बताते, कोई कहीं नहीं जा रहा है बेसिकली, ऐसा हेक्टर ने बोला था। इसी के साथ साथ हेक्टर और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वो ओवेस के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि हमको पता है कि जो ओवेस की लाइनअप थी, मतलब ऐश वाली लाइनअप थी, उन्होंने अब 8-bit ज्वाइन कर लिया है, तो इस बारे में हेक्टर बात कर रहे थे। तो हेक्टर का रिप्लाई आप देख लो। और द डोमिनेशन टीम लीड उफ नजर ना लगे किसी की, अरे अरे थैंक यू भाई, आज शोगन अच्छा खेला यार, शोगन शोगन ऑब्वियसली भाई, हमने कभी बोले बुरा खेलता, कोच भाई तो 8-bit चले गए साथ में, सही चल रहा था भाई, हमने पहले ही बोल दिया था कि वो हेल्प कर रहा है, वो एज अ प्लेयर ही है भाई, तो वो प्लेयर उसको अच्छा ऑप्शन दिखा, एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो जा गया है, वो जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा था भाई, बस उधर पे आके प्रूव करे, बस यही चाहूँगा मैं तो। एंड अब हेक्टर ओवेस के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन भी ओवेस के बारे में बात कर ही लेते। तो ओवेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवेस ने उनकी पूरी लाइनअप अभी 8-bit ज्वाइन कर चुकी है, तो ओवेस जब लाइव आए थे तो वो बात कर रहे थे उनकी जर्नी के बारे में, मतलब कितनी मुश्किलें उनको देखनी पड़ी इस जर्नी के अंदर। एंड ओवेस का जो पूरा रिप्लाई था वो भी आप देख लो। स्पोर्ट्स करियर है, शुरू यहीं से हुआ था, अब खत्म होगा तो यहीं होगा, उसके बाद मैं मोस्टली कंप्लीट नहीं करूँगा, जब भी छोड़ू या कुछ भी, शुरू यहीं से किए, खत्म भी यही करेंगे, बट अभी तो खेल रहे हैं, आगे भी खेलते रहेंगे, बहुत टाइम तक खेलते रहेंगे, एकदम आगे का तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ यही सीन है जो है रिटायरमेंट, अरे रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि मैंने शुरू यहीं से किया था, अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया हूँ, तब से ऐसा है कि अगर शुरू यहीं से किया तो खत्म भी आगे यहीं करेंगे, बस आगे और खेलना नहीं खेलना उसका मेरे को नहीं पता, मैं ये बोल फाइनली थक भाई, और मतलब थैंक यू सो मच थक भाई, कोल्डी भाई, मॉटल, असली सब लोग, थैंक यू सो मच को पॉसिबल करने के लिए। ऑब्वियसली बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, मुझे मेरा ऐसा ही था हमेशा से, मेहनत करते रहो कभी ना कभी तो फल मिलेगा, तो मिल गया फल, मेहनत कर रहे थे बहुत टाइम से, 2 से 3 साल तक तो, मतलब 1.5-2 साल तो फॉर एवर खुद की टीम बना के खेले, विदाउट सैलरी खेले, सब किए, और थैंक यू सो मच ओमेगा, ऐश, माफिया, टर्मी, निंजू, फ्लॉक, और भी जितने थे जो मतलब विदाउट सैलरी भी खेलते थे, उनको ये था कि बस सीखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, खेलते थे उन लोग। एक्टर वाले लाइनअप का क्या गाइस, वो लोग भी और ढूंढ रहे और उनकी भी बातें चल रही है, जैसा रहेगा वो बता देंगे आपको तो क्या होता है क्या नहीं, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा, अपने भाई है उनके साथ ही था, मैं हमेशा रहूँगा, वो अपने भाई लोग हैं, गॉब्लिन, हेक्टर, नियो, पावर,
ऐश का सफर भी 8 बिट से शुरू हुआ था अगर आपको पता है जो ओपन में मेरा करेक्ट 8 बिट से शुरू नहीं हुआ था बट सेम ओ गाड़ी 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 इधर लोगों के साथ ही शुरू किया था भाई कैंप कब देखो बूट कैंप का सीन अभी हमें पता नहीं है क्या है स्क्रीन पर ही आ गया भाई हमारी कुछ और बात नहीं हुई आज करेंगे हम लोग बताएंगे जब मेरे को अपडेट आएगा मैं बताऊंगा बूट कैंप तो जाएंगे जब मैच होगी टूर्नामेंट होगी उस टाइम अपन बात कर लेते हैं टीम एक्सपार्क के बारे में RNTTX के बारे में जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही है अभी कम्युनिटी के अंदर मतलब पैन कर दिया था जैसे कि हमको पता है कि एक्सपार्क के प्लेयर्स ने यहाँ पर जोनाथन को पैन कर दिया था एंड फिश वगैरह कर दिया था अब देखो बीच में क्या होता था ना कि कम्युनिटी में पैन या फिश वगैरह कोई कर रहा था मतलब बीच में मतलब 4-5 महीने पहले तक तो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे उस चीज़ों पे मतलब सबके सब यही बोल रहे थे कि यार अब तो इस चीज़ अपन आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दो एंड मतलब ऑडियंस भी चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देती थी कि मतलब पैन हो गया तो हो गया लेकिन अभी वापस से पिछले 1-2 महीने से अब चीज़ें चालू हो गई कि मतलब पैन कर दिया तो बड़ी बात हो गई है एंड यहाँ पर फिर जोनाथन को पैन किया गया था एंड जो जोनाथन एंड गॉडलाइक के फैंस है उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी फिर जब गॉडलाइक के जो एनालिस्ट है जब वो लाइव आए थे तब लोग उनको बोल रहे थे कि आप RNTTX से बदला लो तो इस चीज़ का उन्होंने रिप्लाई किया था इसके साथ साथ फिर जब मोगैम्बो एंड सारंग लाइव आए थे तो उन्होंने भी फिश वाली चीज़ पे पैन वाली चीज़ पे रिप्लाई करा था तो उनका पूरा रिप्लाई आप देख लो कैसे हो आप जॉनी भाई कम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं भाई थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिख रहा भाई प्रैक्टिस तो कर रहे हो यार रात को भी खेलते हैं वो ऐसा नहीं कि नहीं खेलते गेम खेलते हैं भाई वो आधी चीज तो अनवांटेड ही आ रही है चैट में क्या कैसे क्या अनवांटेड बता पर भाई पैन रिवेंज वगैरह भाई गेम का पार्ट है यार वो रिवेंज रिवेंज क्या होता है अरे लाइक वो पैन किया था जॉनी भाई को रिवेंज नहीं तेरे हिसाब से रिवेंज क्या होता है बदला लेना और क्या बदला लेना पैन तब के बदला लेना हां वही वही तो बोल रहे हैं वो भाई गेम का पार्ट है यार उसको ऐसा गेम लो भाई उन्होंने कभी उन्होंने कल किया अब हम कम अब कभी करेंगे आगे अबे करना ही क्यों है पैन भाई अरे बोल हम करेंगे नहीं हम नहीं करेंगे एंचो बक्सो दे वाला क्यों बस भाई पैन 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 हर जगह भाई बस कर दो यार कोई ना गेम का पार्ट है गेम में की चीजें तुम कहां मतलब ले जाते हो यार कसम से यार ने पैन मारा तो दोष ही नहीं है अगर दोष है तो गॉडल को क्यों पैन मारा अगर दोस्त है तो गॉडल ने क्यों पैन मारा दोस्त है तो अच्छा, पैन नहीं मार सकते क्या अबे तो गेम के पैन से क्या तुमको लग रहा है पैन से इनको ही मारते हैं पैन वही ना भाई असल जिंदगी में थोड़ी ना किसी ने मार दिया एक दूसरे को RNTTX के बारे में बात चल रही थी अपन बात करने वाले स्काउट के बारे में तो स्काउट ने बेसिकली कुछ स्टोरीज जाए थे जहाँ पर वो एक चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे अब वो चीज़ क्या थी एंड उस चीज़ की वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली वो स्काउट ने अपनी स्टोरीज में बताया था तो स्काउट का पूरा रिप्लाई आप देख लो अगेन इंडिगो एयरलाइन भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी बंदा अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो स्टॉप यूजिंग दिस शिट एयरलाइन ट्रस्ट मी मतलब इनसे बेकार एम्प्लॉयज मैंने लाइफ में कहीं देखा है इमेजिन करो कि भाई एंड मोमेंट में इन्होंने गेट चेंज कर दिया है बंदा 25 मिनट पहले पहुंच रहा है इन लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम नहीं एंटर कर सकते हमारे एंड से मिस्टेक है गेट बदल गया है बट तुम लेट हो ब्रो 25 मिनट पहले पहुंच रहे हम और हम लेट है तो क्योंकि तुमने गेट चेंज कर दिया एंड मोमेंट में कि एंड टाइम पे गेट चेंज हो रहा है सर हम क्या कर सकते हैं अरे तो भाई हम 25 मिनट पहले पहुंच गए ना भाग के लाइक लिटरली इनका गेट जो पहले अपॉइंट किया गया था अक्रॉस द एयरपोर्ट है आदमी भाग के वहां पहुंच रहा है और मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई सेम इशू हर बार इंडिगो के साथ ही क्यों होता है भाई रिक्वेस्ट है बाकी लॉन्डे जितने भी सबको तो नहीं बोल रहा हूँ जो लोग गेमर से या फिर कोई अपने से लॉन्डे जो ट्रैवल करते हैं स्टॉप यूजिंग दिस शिट एयरलाइन भाई मतलब इस सारा दिमाग खराब रात को हो ही नहीं सकता भाई चूचावा का भी हद होता भाई बंदे मतलब फ्रस्ट्रेशन सर के ऊपर निकल चुका है भाई इनको समझ कैसे नहीं आ सकता है कि इनका जो गेट है वो अलग साइड है इन्होंने एंड मोमेंट में लास्ट 5 मिनट में चेंज कर दिया है ये 5-10 मिनट जब भी चेंज किया गेट इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदा ऑन टाइम पहुंच जाए इनसे चूचे लोग मैंने लाइफ में नहीं देखा है और भाई जो लोग पूछ रहे हैं कि फ्लाइट मिली कि नहीं मिली नहीं भाई फ्लाइट नहीं मिली मैं रिस्केड्यूल करने गया था अब इमेजिन करो रिस्केड्यूल में क्या हुआ होगा वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि भाई वहां पे एम्प्लॉय ही और चूचा बनाया जा रहा है कि सर नहीं वहां बात करते हैं सर नहीं वहां नहीं उस गेट पर बात करो और दोनों ही इंडिगो के एम्प्लॉय एक नाम को तो अखिलेश था भाई अखिलेश नाम का बंदा तो फ्लिप कर दिया मेरे को लेके गया गेट पे कि मैं करवाता हूँ और अपना ही बात करने लग गया अंदर बात करके भूल गया 15 मिनट अंदर बात कर रहा है घूम रहा है
मैं बुला रहा हूँ भाई, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी। मतलब भाई तुम क्या चूतिया समझ रखे हो यार? मतलब ये तो मैंने देख लिया, इंडिगो में गेट से लेके या टिकट बूथ तक सब में ही गधे गधे और गांडू भरे पड़े हैं। एंड एट लास्ट हम बात कर लेते ग्लोबल स्पोर्ट्स के बारे में। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि आपकी बीजेएमआई लाइनअप कब तक आ सकती है वापस, एंड आने वाली है कि नहीं, इसके बारे में वो बात कर रहे थे। एंड जो जी के अभी वैलोरेंट के प्लेयर है ना, वीसीटी वाले प्लेयर से, वो अभी कौन कहाँ पर है इसके बारे में उनसे पूछा जा रहा था। तो जी के ओनर का जो रिप्लाई था वो भी आप देख लो। बीजेएमआई लाइनअप नॉट राइट नाउ, नॉट प्रोबेबली, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट प्रोबेबली नेक्स्ट ऑफ सीजन इज कमिंग वेरी सून, दिसंबर में ही। Juvian players in Singapore, Juvian Crystal in Singapore, Udotown in Korea and three Filipino players in Philippines. Sab apne visa stamping ke liye gaye hain. Yokeham ka koi visa problem nahi hai, uska do jo do hafte ke liye Korea mein hum bula rahe the just for 2 weeks of scrims, wo tourist visa uska nahi hua. He is getting a work visa and coming in the next 2 weeks with everyone else. All our players will be in Korea in the next 2 weeks with their work visa. Team is in Singapore for some content as well as for visa work and some other things. So thoda aayega details aayega.